यार इंडिया में लोग छोटी फिल्मों को सपोर्ट ही नहीं करते। मतलब अगर कोई इतनी अच्छी फिल्म बना रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसका बजट कम है या उसमें एक्टर जो हैं वो उतने बड़े स्टार नहीं हैं, तो उन फिल्मों को देखेंगे नहीं लोग? कमाल है यार, कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। ओ क्या 11 फिल्म का टीचर देखा तेने? हीरो कौन है? अरे विद्युत जामवाल, इसमें विद्युत जामवाल वो जो फाइटिंग करे कूद कूद के, और वो भी है उसमें, वो अमित साध है और दो नवे हीरो हैं, और संजय मिश्रा भी है अपने। डायरेक्टर? डायरेक्टर है तो कौन, तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टर है, तिग्मांशु धूलिया। और उन्होंने वो फिल्म बनाई थी वो जिसमें वो थे इरफान खान थे अपने, और वो पान सिंह तोमर नाम था उस फिल्म का। और भाई उन्होंने एक और फिल्म और बनाई है, वो क्या नाम है उसका, है तो क्या नाम है, साहिब बीवी और गैंगस्टर। अरे छोड़ना यार, क्या रखा है इनमें? सड़ो नाश तो थारे जैसो नहीं कर रखा। हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और सिने समाचार का होस्ट आर्यन त्यागी। आज हम बात करेंगे फिल्म 11 के टीजर के बारे में। ये टीजर आज से करीब एक दिन पहले Zee5 और विद्युत जामवाल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने, और ये फिल्म आप 30 जुलाई को Zee5 पर देख सकते हैं अपने घर पर बैठकर। इस फिल्म के अंदर विद्युत जामवाल, श्रुति हासन, अमित साध, विजय वर्मा, कैमी और संजय मिश्रा जी नजर आएंगे। टीजर की बात करें तो टीजर काफी इंप्रेसिव लग रहा है, और टीजर को देख करके लग रहा है कि ये फिल्म कोई फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड कोई फिल्म है जिसके बैकड्रॉप में क्राइम ड्रामा चलता रहता है। कहानी को जितना मैं समझ पाया हूँ टीजर के अकॉर्डिंग, तो इसमें चार दोस्तों की कहानी है जो बचपन से ही दोस्त हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लेकिन वो किसी क्राइम बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शायद इस फिल्म के अंदर जो कहानी है उसके अंदर ट्विस्ट आएंगे, तो शायद फिल्म इसी के बारे में है जितना मैं ज्यूम कर पा रहा हूँ। फिल्म को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया जी ने। तिग्मांशु धूलिया जी का डायरेक्शन का जो वर्क है वो हम इससे पहले पान सिंह तोमर और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी बेहतरीन फिल्मों में देख चुके हैं। तिग्मांशु धूलिया जी का डायरेक्शन का जो वे है वो मोस्टली रियलिस्टिक वे रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी फिल्म में थोड़ा फिल्मी टच भी दिया है जो कि इम्प्रेसिव लग रहा है। टीजर के प्रेजेंटेशन की बात करें तो टीजर के अंदर एक भी डायलॉग हमें सुनाई नहीं दिया है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चला है और स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी टीजर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो विद्युत जामवाल यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, उनके साथ में जो अमित साध हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और जो बाकी के दो एक्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है ऐसा उन्हें देख करके लग रहा है। साथ ही में यहाँ पर संजय मिश्रा जी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे, हालांकि उनका सिर्फ एक शॉट हमें इस टीजर के अंदर दिखाई दिया है, लेकिन उनका करेक्टर शायद देखने लायक होगा। अगर श्रुति हसन की बात करें तो श्रुति हसन के ज़्यादा सीन हमें इस टीजर के अंदर दिखाई नहीं दिए, लेकिन जितना कुछ उनका दिखाया गया है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस फिल्म के अंदर विद्युत जामवाल की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं। कुल मिलाकर के टीजर काफ़ी इंप्रेसिव है। जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा कि आजकल हर तरफ ट्रेंड चल रहा है कि अब हम अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करेंगे, छोटी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे, तो भाई इस टीजर को रिलीज हुए एक दिन पूरा हो गया है और ये दो चैनल के ऊपर रिलीज हुआ है, Zee5 और विद्युत जामवाल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहां पर जो दोनों चैनल के व्यूज जो टोटल काउंट है वो सिर्फ 2 मिलियन भी नहीं है। तो यही है क्या आप लोगों का सपोर्ट? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही अगर आपको कुछ भी कमी या फिर खामी इस वीडियो के अंदर नजर आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज हमें बताइएगा, हम उस पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।